हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये कैसे काम करता है और ये पीएच चार्ट पे जो इसको प्लॉट किया वो कैसे किया वो आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ई वेपोरेटर से स्टार्ट करते हैं। ई वेपोरेटर में से वेपर आ रही है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर लो है, लेकिन वो वेपर है रेफ्रिजरेंट की जो वेपर है वो सेचूरेटेड वेपर है। तो पीएच चार्ट पे वो यहाँ पे आएगा पॉइंट सेचूरेटेड वेपर, ठीक है, जो वेपर सेचुरेटेड थी इसलिए सेचुरेटेड वेपर लाइन पे आएगा P1 पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। फिर ये सेचुरेटेड वेपर जा रही है कॉम्प्रेसर में, जहाँ पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहा है और वो बन जाती है सुपर हीटेड वेपर। तो ये कॉम्प्रेसर का काम हो गया 1 से 2 और बन गई सुपर हीटेड। फिर ये वेपर थी सुपर हीटेड वेपर जिसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई था, वो अब जाएगी कंडेंसर में। तो दोस्तों कंडेंसर का काम है अपने अंदर है उसको ठंडा करना और सराउंडिंग को गर्म करना। तो ये वेपर आ रही थी हॉट वेपर थी, तो उसको वो क्या करेगा सेचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और उसकी जो लेटेंट हीट थी दोस्तों, गौर कीजिएगा मैं बोल रहा हूँ लेटेंट हीट थी, वो रिलीज कर देगा। या पर या हम दोनों इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों में हम रेफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंडेंसर से जो बाहर आ रही है रेफ्रिजरेंट वो हमारा होगा लिक्विड फॉर्म में, सेचुरेटेड लिक्विड फॉर्म। तो ये पॉइंट 3 यहाँ पे आ गए, ये है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये है सेचुरेटेड वेपर लाइन। पीएच चार्ट हम ड्रॉ करें। फिर ये जो लिक्विड बार आया वो जाएगा अब एक्सपांसन डिवाइस में से पास होगा। तो दोस्तों एक्सपांसन डिवाइस जो है वो क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को लो कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक बात एक और हो जाती है कि वो जो लिक्विड आ रहा है उसको इवेपोरेशन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इवेपोरेशन होने की वजह से ये जो लाइन है वो हमने यहाँ पे सीधी ड्रॉ की। तो ये जो पोर्शन है ना बीच वाला दोस्तों, ये इसमें वाटर और वेपर का मिक्सचर होता है। तो एक्सपांसन वाल्व में से जो बाहर आएगा वो लिक्विड होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा इवेपोरेशन हो गया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मिक्सर इंडिकेट करने के लिए ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, याद रखना ये बीच वाले रीजन में इसलिए पॉइंट आ रहा है। क्योंकि एक्सपांसन डिवाइस जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर तो डिक्रीज करता है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा लिक्विड को इवेपोराइज भी कर लेता है, थोड़ा सा पार्ट ही करता है, ज़्यादा पार्ट तो इवेपोरेशन में होगा इवेपोरेटर में, क्योंकि जहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए। फिर ये जो लो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो है वो रेफ्रिजरेंट बाहर आया यहाँ पे एक्सपांसन डिवाइस में से और वो पास होगा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर क्या करता है, अपने अंदर है उसको गर्म करता है और सराउंडिंग को ठंडा करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, मिक्सचर था हालांकि वेपर और लिक्विड का, तो वो अब क्या करेगा रेफ्रिजरेंट की जितनी भी लेटेंट हीट होगी उसके हिसाब से वो ये स्पेस में से लेटेंट हीट को गेन कर लेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा स्पेस होगा, जैसे कि ये स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे इवेपोरेटर लगा है, तो इवेपोरेटर क्या करता है कि इसके अंदर जो ठंडा लिक्विड जो पास हो रहा है रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है, तो वो क्या करेगा सराउंडिंग में से हीट गेन कर लेगा, ठीक है। हीट गेन करके यहाँ से बाहर आएगा तो उसका वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड वेपर में। तो ये 4 से 1 जो प्रोसेस हुई, 4 से 1, तो ये जो प्रोसेस हुई वो ई वेपोरेटर की प्रोसेस हुई, ई वेपोरेशन यहाँ पे हुआ। इसको आप कूलिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये 1 से 2 कॉम्प्रेशन वर्क है, ये कंडेंसेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो वेपर थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई इसमें। और ये है एक्सपांसन 3 से 4, और इसी तरह आप पीए चार्ट पे आप इसे प्लॉट कर सकते हो। और एक बात कि यहाँ जो कंप्रेसर के जो ये वाली लाइन है कंप्रेसर से लेके कंडेंसर तक, और कंडेंसर और एक्सपांसन डिवाइस ये सब जो पार्ट है ये लाइन, उसे कहते हैं हाई प्रेशर साइड, कहते हैं हाई प्रेशर साइड। हाई प्रेशर साइड इसलिए क्योंकि ये कंप्रेसर में से हाई प्रेशर वाला लिक्विड बाहर आ रहा है, तो यहाँ तक हाई प्रेशर तक रहेगा, तो इसको हाई प्रेशर लिक्विड लाइन बोलते हैं और या फिर हाई प्रेशर साइड भी बोलते हैं। और फिर यहाँ पे एक्सपांसन वाल्व से लेके इवेपोरेटर की जो पाइप होती है वो इवेपोरेटर, और ये पाइप जिसे सक्शन पाइप भी बोलते हैं, ये जो जितने भी पार्ट आए वो होंगे लो प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड। लो प्रेशर साइड इसलिए दोस्तों कि एक्सपेंशन वाल्व के बाहर बाहर आती है जो रेफ्रिजरेंट, उसका
प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो गया, तो इसीलिए इस साइड को बोलते हैं, ये जो साइड हो गई उसको बोलते हैं लो प्रेशर साइड, और ये ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाई प्रेशर साइड। तो ये सिंपल सा उसका सिस्टम है, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। याद रखना दोस्तों, कंप्रेसर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी हीट बढ़ पाए, उसका टेम्परेचर बढ़े, ताकि कंडेंसर की इफेक्ट जो मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर कितना होता है, MCP डेल्टा टी होता है। टेम्परेचर डिफरेंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करते हैं ताकि हीट वो ज़्यादा रिलीज कर पाए और कूलिंग इफेक्ट में मिले, तो यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेटेंट हीट को यहाँ पे वो रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह उसका काम है, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और ये पीए चार्ट इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और वो रेड बटन है सब्सक्राइबर का वो दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए वो बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।